वैसे जब आपके सामने कोई बस स्टैंड की बात करता है तो आपका पहला रिएक्शन क्या होता है? यही होता होगा, ओह कितनी बदबूदार जगह, बारिश से पानी से भरा, कीचड़ से सराबोर जगह, जहाँ कुछ बसें खड़ी हों और यात्री सड़क के किनारे खड़े होकर पसीना पोंछते हुए दिखाई दे। लेकिन आप जरा इन तस्वीरों पर गौर फरमाइए। ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये कोई मॉल, मल्टीप्लेक्स या एयरपोर्ट नहीं है, ये दरअसल एक बस स्टैंड है, लखनऊ का नया बस स्टैंड आलमबाग टर्मिनल। सुविधाओं में एयरपोर्ट जैसा और आकर्षण में मॉल मल्टीप्लेक्स को मात देता, ये है नवाबों के शहर लखनऊ का आलमबाग बस टर्मिनल, जिसका उद्घाटन मंगलवार को सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया। 200 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से बने इस बस टर्मिनल में एसी वेटिंग हॉल, वाटर कूलर, आरामदायक बेंच, सबवे से प्लेटफॉर्म रूट, फूड कोर्ट, एटीएम, बैंक, ऑटोमेटिक अनाउंसमेंट और डिस्प्ले जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। बस टर्मिनल में कुल 5 एंट्री पॉइंट्स हैं। बस टर्मिनल जो है वो बनकर तैयार हो चुका है, जो ट्रिपल पीपी मॉडल बन रहा है। ये एक ऐसा बस अड्डा जिसमें ना सिर्फ बस टर्मिनल है बल्कि होटल है, शॉपिंग मॉल है। बस टर्मिनल बनकर तैयार हो गया है, होटल और शॉपिंग मॉल जो है अभी बन रहा है और कहा जा रहा है कि अगले साल तक वो भी तैयार हो जाएगा। और ये होगा उत्तर प्रदेश का सबसे आधुनिकतम बस अड्डा। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत बने इस बस अड्डे में बस यात्रियों को बहुत जल्द होटल, मल्टीप्लेक्स और शॉपिंग मॉल जैसी वो तमाम आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी जो अभी तक विकसित देशों में ही संभव है। इस बस टर्मिनल में 5 एंट्री पॉइंट बनाए गए हैं, जिसमें से 4 पैसेंजर्स के लिए है और 1 इमरजेंसी एग्जिट आउट है। लेकिन सबसे खास है कि ये मॉडल इस लिहाज से भी है क्योंकि जैसे ही आप इस गेट पे आएंगे, गेट जो है अपने आप खुलेंगे, यानी कि स्लाइडर्स गेट है, ऑटोमेटिक स्लाइडर्स मशीन लगे हुए हैं इस गलों पे। जैसे गेट के पास आएंगे ये गेट खुलेगा और यहाँ से आप इस बस टर्मिनल के एंटर करेंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया कि आलमबाग बस अड्डे की तरह यूपी में 21 और बस अड्डों का निर्माण किया जाएगा। अगर ऐसा होता है तो पूरे यूपी के बस यात्रियों के लिए सरकार की तरफ से ये बड़ी सौगात होगी। लखनऊ से विनोद मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ये तो अदिति बढ़िया रिपोर्ट है, यानी कि देश बदल रहा है। देश बदल रहा है लेकिन सिटीजन्स को भी बदलना होगा और इन सुविधाओं का इस्तेमाल जिम्मेदारी के साथ करना होगा।